नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जिले में एक ही दिन पंचायत चुनाव के आयोजन के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। आयोग की तरफ से बताया गया है कि बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव के तहत एक जिले के सभी पंचायतों में एक ही दिन में चुनाव संपन्न होगा। एक जिले में किसी भी स्थिति में चुनाव के लिए दो तारीख का निर्धारण नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 3-4 प्रमंडल के 3-4 जिलों में एक ही साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। बूथों की संख्या भी जिलों के लिए ईवीएम की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि छोटे जिलों को बड़े जिलों के साथ जोड़कर चुनाव कराया जा सकता है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस दिशा निर्देश के मुताबिक चुनाव संपन्न कराने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में तैयार किए गए कर्मियों के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पंचायत चुनाव में भी वही मतदान कर्मी काम करेंगे जो पिछले विधानसभा चुनाव में ड्यूटी कर चुके हैं। जिलों में कोविड गाइडलाइन को लेकर बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी और घटे हुए कर्मचारियों की पूर्ति महिला कर्मचारी और पड़ोसी जिले के कर्मचारियों से की जाएगी। इन कर्मियों की तैनाती का अधिकार संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बोलते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि एक ही जिले में दो तारीखों में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सारी तैयारी ऐसी करनी है कि एक जिले का चुनाव एक दिन में ही संपन्न हो जाए। सचिव ने कहा कि इस पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, मतदान कर्मियों के लिए विधानसभा चुनाव के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा और कर्मियों की कमी होने पर महिला कर्मचारी और पड़ोसी जिले के कर्मियों की भरपाई की जाएगी। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर कर्मियों की रवानगी क्लस्टर से उसी दिन होगी, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव के लिए कर्मियों को संबंधित क्लस्टर पर आवासन के लिए 2 दिन पहले ही भेज दिया जाएगा। मतदान कर्मियों को लेकर बोलते हुए आयोग ने कहा है कि अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की मिलीभगत से कुछ कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से बच जाते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर जानबूझकर कुछ कर्मचारियों के नाम सूची से हटा देते हैं, जिससे वो चुनावी ड्यूटी से बच जाते हैं। सचिव ने इस बारे में ऐसे ऑपरेटर पर नजर रखने और शिकायत मिलने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, संबंधित सूचना विज्ञान पदाधिकारी यह लिखित में आयोग को भेजेंगे कि डेटा में शामिल सभी कर्मचारियों की तैनाती की गई है। डेटा में शामिल होने से कोई नाम बचा नहीं है। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी को विस्तार से जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रत्याशियों की योग्यता, उम्र, नामांकन शुल्क, नामांकन, मतदान, मतगणना, नामांकन पत्रों की जांच कैसे करें। आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उन्हें अलग अलग पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। नामांकन शुल्क भी अलग अलग जमा करना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी 21 वर्ष का योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का हकदार है, बशर्ते पूर्व में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।